नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ जिन्होंने अभी अभी परीक्षा दी है। आज ही जिनकी परीक्षाएं समाप्त हुई है और जिनकी 15 मार्च से जिनका अगला सत्र अगला सेमेस्टर शुरू होने जा रहा है, तो मैं अपने वादे के मुताबिक जो आपको करता आ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, अभी जो गणित का प्रश्न पत्र आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये बहुत सहायता देगा ये जानने में कि आपके पेपर कैसा हुआ और आप अपने अंकों का आकलन कर पाएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो मैं विशेष रूप से आभारी हूँ सांवरे के भगत श्री गजेंद्र मेनारिया, जो श्री कन्हैयालाल जी के सुपुत्र हैं और GBC चित्तौड़गढ़ के होनहार छात्र हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। सबसे पहले उन्होंने ही मेरे से निवेदन किया था कि सर ये पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारे काम का आएगा, हमारे बहुत काम आएगा। उसके अलावा बाद में कई बच्चों ने ये बात मुझे बताई थी और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट सांवरे के भगत श्री गजेंद्र जी मेनारे की थी। यहाँ मैं बताना उचित समझता हूँ कि मैंने अपनी जो पढ़ाई की है 10वीं 11वीं की 1971 और 1972 के अंदर, वो मैंने चित्तौड़ से ही की थी। चित्तौड़ के ही सरकारी स्कूल से मैं 10वीं 11वीं पढ़ा हुआ हूँ और चित्तौड़गढ़ में 2 साल रह चुका हूँ। मेरे पिताजी वहाँ पे वाटर वर्क्स में AN थे और सरकारी क्वार्टर जो किले चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, उसके नीचे जहाँ बसा हुआ ऑफिस वहाँ पे रहता था पहले क्वार्टर के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ से मेरा विशेष लगाव है और चित्तौड़गढ़ के ही गजेंद्र जी ने ये मेरे से रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी। तो अब ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके समय 3 या 4 वीडियो होंगे जिसमें एक पूरा पेपर सॉल्व किया जाएगा। पेपर में सॉल्व कर चुका हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कैसे किया मैंने। सेक्शन ए देखिएगा, सेक्शन ए का पहले का पहला क्या क्वेश्चन था, यदि a+b = π/4 तो हमें पता करना है कि 1+10a × 1+10b का मान क्या होगा। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि मैंने जो अपने वो PDF बना के भेजी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन 13 था और 28/2 को मैंने क्वेश्चन तैयार किया था। देखिए सॉल्व कर रहा हूँ, a+b = π/4 गिवन है आपको। हम दोनों तरफ 10 लेंगे। भाई बच्चे गलती करते हैं, ऐसा लगता है मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ द साइड, 10 से गुणा नहीं होता है, दोनों तरफ 10 ली जाती है, दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स। तो 10a+b कितना हो जाएगा 10π/4 और π/4 कितना होता है 45 डिग्री और 10 45/1 होता है, तो 10a+b = 1 हो जाएगा। अब 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a+10b / 1 - 10a10b = 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 1/1b कह सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 10a+10b को गुणा करेंगे 1 से तो 10a+10b आएगा और 1 - 10a × 10b गुणा करेंगे 1 से 1 - 10a × 10b आएगा। अब पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो 10a+ ये 10a 10b माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 10b पहले से प्लस का ही है = 1। लेकिन हमें जो इसकी वैल्यू निकालनी है 1+10a × 1+10b की, तो हमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसके करने गुणनखंड फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स होने चाहिए 1+10a × 1+10b। तो आप ध्यान से अगर देखें तो 10a तो यहाँ पर है, अगर 1 जुड़ जाए तो 1+10a हो जाएगा, आगे हम 10b कॉमन लेंगे तो 1+10a बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, यानी ये जो स्टेप लिखा है यहाँ पे इसके इधर भी एक जोड़ दिया, देखो 1+ कर दिया, उसके राइट में भी 1+ कर दिया, यानी कि ये जो आपको दिख रही है एक तरह की इक्वलिटी, इसके दोनों साइड में हमने एक एक जोड़ दिया, तो 1+10a + वो एज इट इज़ और वो 1+1। अब 1+10a को ब्रैकेट में लिख दिया, लिखा ना मैंने एडिंग 1 to both the sides, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब 1+10a अलग हो गया और यहाँ देखिएगा 10b कॉमन आ गया, 10a 10b और 10a 10b में से 10b कॉमन आ गया, और जो कॉमन निकालते हैं उसको भाग लगता है, तो 10b में 10b का भाग लगाया, 1+10a 10b को भाग लगाया 10b से, 10a आएगा, 1+10a हो गया। अब 1+10a कॉमन आ गया, देखिए कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन का भाग लगाते हैं ना, तो 1+10a को भाग लगाया 1+10a से बनाएगा प्लस, यह 10b रह जाएगा,
इक्वल टू, हमें इसी की वैल्यू पता करनी थी, किसकी, 1 + 10a इंटू 1 + 10b, हमें इसी की वैल्यू पता करनी थी, 1 + 10a इंटू 1 + 10b कितनी वैल्यू आ गई इसकी, कितना, 2। तो इसका आंसर हो गया 2। ये आपका पहले का पहला था। अब देखिएगा पहले का दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान याद कीजिए, cos 62 cos 17 + sin 62 डिग्रीज। ये मेरा 26 तारीख को तैयार किया गया क्वेश्चन नंबर 12 था और उसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिएगा cos 62 cos 17 + sin 62 sin 17। अब हमने क्या, आप देखेंगे 62 बार बार आ रहा, 62 यहाँ भी आ रहा, 62 यहाँ भी आ रहा, 17 यहाँ भी आ रहा, 17 यहाँ भी आ रहा। हमने क्या किया, 62 को ए मान लिया, 17 को बी मान लिया, तो क्या हो गया ये कॉस ए कॉस। अच्छा एक बात आप ध्यान से देखना, जो मैं ये सॉल्व करके मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने कैसे सॉल्व किया उसको ध्यान से देखो आप, यानी एक एक स्टेप क्लियर किया है, कोई भी स्टेप को मिक्स नहीं किया है। आपको बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही काम करना जैसे कि आपको दिख रहा है। मैं ये पूरा पेपर वीडियो बना के आपको जब दूंगा तो बाद में इस पूरे सॉल्यूशन की एक पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा ए और बी माना ना, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और आप जानते जैसे ही कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपको नजर आएगा, आपके दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि ये फॉर्मूला है किसका, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला है, अगली दिया फॉर्मूला, कुछ चीज़ लिखते हो ना कि कहाँ से आया, अगली दिया, इट इज़ फॉर्मूला। अब आप ए और बी की वैल्यू वापस रख देंगे, लिखा ना मैंने ए और बी के मान सब्स्टिट्यूट करने पर, ए कितना माना था 62 बी 17, तो 62 - 17 कितना होता है 45, तो क्या आ गया कॉस 45, और कॉस 45 कितना होता है 1/√2, सो इट्स आंसर इज 1/√2। अगला देखिएगा, अगर टेन ए प्लस बी इजिकल टू पी हो और टेन ए माइनस बी इजिकल टू क्यू हो, तो हमें टेन टू ए का मान याद करना है। यहाँ देखिएगा एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मैं a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ूँ, अगर a प्लस बी में a माइनस बी को जोड़ूँ तो b भी कट जाएगा, प्लस b माइनस बी तो 2 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2a बराबर a प्लस बी प्लस a माइनस बी। यहाँ देखिएगा मैंने सॉल्व किया है tan 2a बराबर, मैंने 2a को लिख दिया a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी में जब a माइनस बी जोड़ेंगे b भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा, जो मैंने यह साइड में बताया। अब मैंने क्या किया कि a प्लस बी को x मान लिया और a माइनस बी को y मान लिया, a प्लस बी को x और a माइनस बी को y मान लिया। अब ये हो गया tan x प्लस y। अब tan x प्लस y क्या का फॉर्मूला क्या होता है, ये tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। वैसे फॉर्मूले नॉर्मली अपन ए बी में दिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, पर चूंकि क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन में ए बी आ गए हैं तो सूत्र में भी नहीं मानना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ए बी आते हैं तो फॉर्मूले में एक्स वाई मानना चाहिए, और क्वेश्चन में एक्स वाई आते हैं तो फॉर्मूले में ए बी मानना चाहिए। कभी भी फॉर्मूले की जो में जो होते हैं वेरिएबल्स उनको कभी भी वो नहीं मानना जो क्वेश्चन में होते हैं, वरना मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने ए प्लस बी को एक्स मान लिया था और ए माइनस बी को वाई मान लिया था, आगे टेन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब देखिएगा अब टेन टू ए क्या हो गया, अब आपने x किसको माना था, x आपने किसको माना था, x माना था a प्लस बी को, y किसको माना था a माइनस बी को, तो जहाँ x है वहाँ a प्लस बी लिख देंगे, जहाँ y है वहाँ a माइनस बी लिख देंगे। तो टेन x की जगह टेन a प्लस बी प्लस टेन y की जगह टेन a माइनस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन एक्स टेन वाई की जगह टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी। और टेन और ए प्लस बी आपको देखिए, इधर देखिए आपको टेन ए प्लस बी आपको पी कह रखा है क्वेश्चन में, गिवन है कि एक अगर इफ टेन ए प्लस बी इजिकल टू पी एंड टेन ए माइनस बी इजिकल टू क्यू, हमको अब क्या करना है, केवल टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी की वैल्यूज पुट करनी है, जो हमने कर दी, पी प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी इंटू क्यू, तो इट इज़ द आंसर। अगला देखिएगा चौथा, निम्नलिखित फलन का मान x बराबर पाई बाई 3 पर ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इजिकल टू पाई बाई 3। ये आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू कॉस एक्स माइनस रूट 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4, और हमको x बराबर पाई बाई 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे भाई, जहाँ जहाँ x लिखा है
वहाँ वहाँ लिख देंगे पाई बाई फोर। तो हम शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स प्लस फोर आपको दे रखा है। देखिए दे रखा नहीं है एफ एक्स बराबर ये वाला। अब हमको पता करना था वैल्यू एक्स बराबर पाई बाई थ्री पर, तो हम एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह लिख दिया पाई बाई थ्री। तो ये फंक्शंस के रूल होते हैं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक्स को लिखा पाई बाई थ्री, तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ लिख देंगे पाई बाई थ्री। तो ये कॉस पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री साइन पाई बाई थ्री प्लस फोर, इट इम्प्लाइज। देखिए आप देख रहे हो हर स्टेप का इट इम्प्लाइज लगा रहा हूँ। ये सवाल करने का तरीका मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको गौर से समझिएगा, एग्जाम में आने वाले समय में ऐसे ही काम करना है। तो ये हो गया कॉस पाई बाई एफ पाई बाई थ्री इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी वन बाई टू होता है माइनस रूट थ्री, साइन पाई बाई थ्री साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू होता है प्लस फोर। इट मीन्स एफ पाई बाई थ्री इक्वल टू वन बाई टू माइनस रूट थ्री थ्री होता है गुणा होके बाई टू प्लस फोर। इट इम्प्लाइज एफ पाई बाई थ्री बराबर यहाँ तीन दो और दो कैल्सियम कितना आ जाएगा दो, इसको चार बटा एक मान सकते हैं आप। एक दो दो और एक कैल्सियम दो, दो में दो का भाग एक इंटू एक एक, दो में दो का भाग एक इंटू तीन तीन, दो में एक का भाग दो इंटू चार आठ, एक माने तीन प्लस आठ। इट इम्प्लाइज एफ पाई बाई थ्री बराबर आठ और एक जोड़ा नौ में तीन घटाए छः बटा दो और छोड़ दो कितना होता है तीन। सो एफ पाई बाई थ्री इक्वल टू थ्री इसका आंसर आ गया। आप सभी मिलान करते रहिएगा आंसर से और इसको पूरा पेपर जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो आप अनुमान लगाएंगे आपके नंबर कितने आने चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के 60 में 60 नंबर भी आ सकते हैं इस पेपर के अंदर। खास तौर से कोटा की बहुत ही होनहार छात्र है, उसके तो आने ही चाहिए काजल जी के। पांचवा, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। क्या दे रखा है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिएगा सॉल्व कर रहा हूँ, आपको एफ एक्स दे रखा है कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इसको मैंने वन कह दिया। हमें जो वैल्यू पता करनी है वो एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स ही करनी है। इसका मतलब हमें पहले एफ वन अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। हमको एफ एक्स दे रखा है और निकालना है एफ एक बटा एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ एक्स आता है वहाँ पर एक बटा एक्स लिखना है। तो मैंने एक्स के स्थान पर लिख दिया एक बटा एक्स। तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ लिख देंगे एक बटा एक्स। फिर इस एक्स की जगह पे एक बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक बटा, फिर एक्स स्क्वायर का मतलब एक बटा एक्स का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज एफ वन अपन एक्स बराबर, अब वन का स्क्वायर तो भाई वन ही होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है माइनस। अब ये वन का स्क्वायर वन और एक्स का एक्स स्क्वायर, लेकिन अपॉन में आ रहा है, ये अपॉन में आ रहा है। तो ये वन एक के अंदर एक बड़ा एक्स स्क्वायर भाग जा रहा था, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको दो कह दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और दो को जोड़ेंगे, वन और टू को ऐड करने पर। तो एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स बराबर, एफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और एफ वन अपॉन एक्स कितना है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे ये माइनस से ये प्लस कट गया, ये प्लस से माइनस कट गया, तो सब कट गया जीरो आ गया और आंसर आ गया एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो, इट इज द आंसर। अगला सवाल देखिएगा, हमको एक सीमा का मान ज्ञात करना था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बेसी पे अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो है ये तब संभव होगा करना आप लोगों के लिए जब आपको एक्सपेंशंस याद हो, आपको प्रसार याद हो और आपकी बुक के अंदर ये प्रसार दे रखे हैं, तो आपको याद तो करना ही है इसको। तो ये दो प्रसार आपको ध्यान में होने चाहिए, दो एक्सप्रेशंस, दो एक्सपेंशन सॉरी दो एक्सपेंशन, एक तो ई रेस टू एक्स का एक लॉग वन प्लस एक्स का। देखिए ई रेस टू एक्स जो होता है उसका प्रसार होता है एक्चुअली सीरीज है, एक वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री। वैसे मेरे हिसाब से प्रश्न आपको नहीं देना चाहिए था एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। कारण क्या कि इसमें एक टर्म यूज हो रही है फैक्टोरियल,
जो कि उस चैप्टर से बिलोंग करती है जो चैप्टर आपका हटा दिया गया सिलेबस से, पांचवा चैप्टर, पांचवा जो है ना अब यूनिट फाइव। अब फैक्टर दो का मतलब क्या होता है बता दूँ, ये फैक्टर दो का मतलब होता है दो गुणा एक, यानी कि दो। अब फैक्टर तीन का मतलब क्या होता है, तीन गुणा दो गुणा एक, यानी कि छः। फैक्टर चार निकालें तो चार तीन दो एक। तो किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है पॉजिटिव नंबर का, वो उस नंबर से शुरू करके एक एक नंबर कम करते हैं, एक तक पहुँचते हैं। जैसे फैक्टर दस निकालना आपको, दस इंटू नौ इंटू आठ इंटू सात इंटू छः इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू, इस प्रकार से। लेकिन ठीक है आ गया, तो आपको जिन्होंने तैयारी कर ली हो तो कर देंगे सवाल को। तो देखिएगा ये ई रेज टू एक्स का प्रसार होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस, ये एक अनंत श्रेणी है, इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। और लॉग वन प्लस एक्स बेस ई के लिए एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस अप टू इनफाइनाइट। ये मैंने बॉक्स बना के दिखाया था कि आपको समझा सकूँ। अब मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यूज है इनकी, यह मैंने पुट कर दिया, देखिएगा कैसे। x इंटू ई रेस टू एक्स, तो x इंटू और ई रेस टू एक्स जगह ये वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर ले लिया मैंने, माइनस लॉग वन प्लस एक्स जगह ये ब्रैकेट में, ये ध्यान रखना जब माइनस आता है आगे ब्रैकेट जरूर लगा है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स फोर अपॉन फोर प्लस अप टू इन्फिनिटी। और अपॉन एक्स स्क्वायर तो हमारे को ये क्वेश्चन में करना ही था, अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब देखिए आगे क्या किया हमने, आगे मैंने कुछ नहीं किया, ये गुणा किया है, जब x है ना बार अंदर वन प्लस एक्स है तो इसको x को सबसे गुणा करेंगे, तो x को वन से गुणा करेंगे x आएगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को x स्क्वायर अपॉन फैक्टर टू से करेंगे तो एक्स क्यू बड़ा फैक्टर दो आएगा, x को x क्यू बड़ा फैक्टर तीन से करेंगे तो x के बहुत चार बड़ा फैक्टर तीन आएगा। और वो मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो ये बार माइनस है ना, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस, माइनस का प्लस, देखिए x प्लस था ना या माइनस हो गया, x स्क्वायर अपॉन टू माइनस था ये प्लस हो गया, इस तरह से ज़रा ये चल रहा अपॉन x स्क्वायर है ही। अब देखिए आप ध्यान से, तो ये प्लस x से माइनस x कट जाएगा, प्लस x से माइनस x कट जाएगा, तब क्या होगा, तब ये होगा जो आप देख रहे हैं कि x की टर्म ख़त्म हो गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स क्यूब है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, एक्स की पावर चार है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, और दो इनफाइनाइट सीरीज है। जब दो इनफाइनाइट सीरीज को जोड़ेंगे तो एक नई सीरीज बनेगी, वो भी इनफाइनाइट ही होगी, क्योंकि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कभी टू इनफाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट ही होता है, अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत ही होता है। तो अब हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्यों, ताकि नीचे एक्स स्क्वायर से काट सकें उसको, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा यहाँ वन प्लस यहाँ पे एक्स बाई फैक्टर टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टर थ्री प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट, और वहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वन बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस अप टू इनफाइनाइट। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो है, काट सकते हैं इसको अपन, इजिकल। और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, जहाँ लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से आंसर आता हो ना रीजनेबल, तो वो आंसर आ जाता है वैल्यू पुट कर, और जब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट हटा देते हैं। तो हमने x को जीरो लिखा तो वन तो लिख दिया, प्लस जीरो करते जीरो अपन समथिंग इज जीरो, ये जीरो, ये वन बाई टू आएगा, माइनस ये जीरो प्लस जीरो, तो क्या रहा फाइनली, ये तो वन और वो वन बाई टू, मिलकर हो गया थ्री बाई टू, सो इट इज़ द आंसर। सातवां, सातवां देखें आप ध्यान से, मान ज्ञात करना है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस है, ये सीमा का मान ज्ञात करना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x टेंडिंग टू पाई बाई टू है, नीचे पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो ऐसे लिमिट के जो प्रश्न होते हैं उसमें हमेशा आपको इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि नीचे लिमिट जीरो हो जाए, एच टेंडिंग टू जीरो हो जाए। उसके लिए क्या तरीका होता है कि अगर आपको x टेंडिंग टू कुछ क्या रखा है, तो आप x को मान लें a प्लस एच, ए का मतलब जो आपको दे रखा है, यहाँ दे रखा है x की वैल्यू किधर जा रही है, पाई बाई की तरफ। तो हमने क्या किया, x को देखिए लिखा नहीं मैंने, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, मैंने x को मान लिया क्योंकि x टेंडिंग टू पाई बाई टू है, यानी x की वैल्यू पाई बाई टू को अप्रोच कर रही है,
लेफ्ट से करें राइट से करें डजेंट मैटर, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इसकी पाई बाई टू है। तो हमने ऐसा मान लिया कि एक्स की वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच है, ठीक है। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू ले जाता हूँ पाई बाई टू की तरफ, तो एच जाएगा जीरो की तरफ। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्स को पाई बाई टू लिख दूँ यहाँ पे, तो पाई बाई टू इजिकल टू पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू कट जाएगा एच जीरो आ जाएगा। यानी जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू की तरफ जाएगी तो एच की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। तो हमने क्या किया, लिमिट को चेंज कर दिया, यहाँ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू थी, यहाँ एच टेंडिंग टू जीरो हो गया। अब जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ लिख देंगे पाई बाई टू प्लस एच। देखिएगा कॉस एक्स का मतलब कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच। आगे चलें, देखिए कॉस पाई बाय टू प्लस एच, पाई बाय टू होता है 90 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एच, ये माइनस साइन एच। इसी देखिए ब्रैकेट खोलेंगे पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस एच, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस एच, पाई बाय टू कट जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस भी कट जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच, जो वन होता है फॉर्मूला है सूत्र है ये, आपको पता होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है। यहाँ एक्स ना हो गया एच है, तो एक्स जगह एच हो गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच वन हो गया। इसका आंसर आ गया वन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में लिखिए, निम्नलिखित को एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में लिखिए, राइट द फॉलोइंग इन एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म। यानी हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्तीय रूप में लिखना है। किसको लिखना है, वन अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा को, शुरू कर दिया हमने वन अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा इजिकल टू। अब देखिए जब अपॉन में आयोटा आता है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि जब अपॉन में आयोटा आता है उसको हटाने के लिए हम अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉम्प्लेक्स कि जो है ना जो नंबर दे रखा कॉम्प्लेक्स उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स से, तो दो माइनस तीन आइटा की कॉन्जुगेट क्या होगी, दो प्लस तीन आइटा, तो दो प्लस तीन आइटा से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। ऊपर तो दो प्लस तीन आइटा इंटू एक रहा, दो प्लस तीन आइटा रहेगा, और नीचे दो माइनस तीन आइटा का गुणा करेंगे दो प्लस तीन आइटा से। और आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस थ्री आइटा इंटू टू प्लस थ्री आइटा हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस थ्री आइटा का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस थ्री आइटा का स्क्वायर 9 आइटा स्क्वायर इजिकल टू 2 प्लस थ्री आइटा अपॉन, अब आइटा स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, तो ये माइनस 9 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 9, तो आ गया 4 प्लस 9, 2 प्लस 3 आइटा बटा 4 और 9 13। और आगे देखिएगा फाइनली एक बार दो में 13 का भाग लगा देंगे, एक बार तीन में 13 का भाग लगा देंगे, तो 2/13 प्लस आयोटा इंटू 3/13। हमको इसको इसी रूप में लिखना था, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखना था, तो हमने लिख दिया 2/13 प्लस आयोटा इंटू 3/13। यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर 2/13, और वाई की वैल्यू कितनी होगी 3/13। आंसर ये नहीं, आंसर ये है, लेकिन हमने इसको एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में लिख दिया। ये क्वेश्चन हो गया आठवां। अब नवा क्वेश्चन, ये था पार्शियल फ्रैक्शन का नवा क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित को आंशिक भिन्नों के रूप में लिखिए, निम्नलिखित को आंशिक भिन्नों के रूप में लिखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ये है क्वेश्चन, 2x-1/(x-1)(2x-3)। ध्यान से देखें आप, देखिएगा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा। अब नीचे देखिए ध्यान से, तो x को जब गुणा करेंगे 2x से, तो एक्स स्क्वायर जरूर आएगा, मतलब 2x(x) आता है x² होता है 2x², यानी मैं दो को तो बोल जाऊँ कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर 2 आ रही है, और ऊपर न्यूमरेटर में एक्स की जो मैक्सिमम पावर मुझे दिख रही है वो 1 ही दिख रही है। यानी न्यूमरेटर में जो x की पावर है वो डिनोमिनेटर में जो x की पावर उससे कम है, कम होनी चाहिए, कम से कम एक तो कम होनी चाहिए, कम है यहाँ पे, तो बिल्कुल ये प्रॉपर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी नहीं होती मुझको पहले डिवाइड करना पड़ता इसमें इसको,
जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम प्रॉपर जब फॉर्म में होता है ना तो सिंपली सीधा ही मान लेते हैं कितने, देखो ये फैक्टर है लीनियर, इनको कहते हैं लीनियर फैक्टर, यानी कि रेखिक गुणनखंड कितने हैं, दो, पहला दूसरा, तो हमें दो कांस्टेंट मानने होंगे ए और बी। तो ये जो कुछ भी था ये वाला आपको फ्रैक्शन दे रखा था प्रॉपर फ्रैक्शन 2x-1 / x-1 / 2x-3, इसको मैंने क्या मान लिया, दो कांस्टेंट दिए मैंने ए और बी, तो ए अपॉन एक्स माइनस वन और बी अपॉन 2x-3 ऐसे लिखा जाता है। इट इम्प्लाइज 2x-1 / x-1 / 2x-3 = अब इसका एलसीएम लिया हमने। देखिए मैं बहुत प्रॉपर मेथड से काम कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। x-1 और 2x-3 का एलसीएम आता है x-1 × 2x-3, और इसको जब डिवाइड करेंगे x-1 से तो x-1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x-3, जिसका ऐसे गुणा कर देंगे तो a × 2x-3 + b × x-1। अब ये एलसीएम कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, हम इसको बराबर वो करें चाहे उसको बराबर इसके करें, मैं ये जो ए बी थे ना उसको लेफ्ट में लेके आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए बराबर बी है तो क्या मैं इसको बी बराबर ए नहीं कह सकता है क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। चाहे तो इधर लगे -b = -, लिखो बाद में माइनस को काटूँ, लेकिन सिंपली लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, ए बी वाले जो थे ना इक्वल टू, मैं उसको इधर लिख दिया और उसको इधर लिख दिया, डजंट मैटर। अब मुझे ए और बी निकालने हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि ये जो फैक्टर्स है ना इनको जीरो कर दो। जैसे अगर मैं मान लीजिए एक्स को वन, अच्छा एक्स वन कहाँ से लाया मैं अगर बी के इस कोएफिशिएंट को जो कि x-1 है, अगर मैं x-1 को जीरो बना दूँ तो बताओ एक्स की वैल्यू 1 आई नहीं आई, ये 1 मैंने पुट कर दिया इस दो के अंदर, तो क्या आ गया a × 2 × x को मैंने 1 माना -3 + वो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 - 1 जीरो होता है, तो = 2 × x = 2 × 1 - 1। 2 × 1 = 2 होता है, -3, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, तो -1 × a बराबर 2 × 2 = 1, तो a कितना आ जाएगा 1/-1, और 1 में भाग लगाएंगे -1 का तो -1 ही आएगा। अब हम पुट करेंगे x को 3/2, कैसा आया 3/2, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ a का कोएफिशिएंट है 2x-3, अगर मैं 2x-3 को जीरो करता हूँ तो 2x कितना आएगा, 3 आएगा, तो x कितना आ जाएगा 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से x 3/2 आ गया, और ये 3/2 जब रखेंगे यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ x को 3/2 रख देंगे, ये मैंने किया है। जैसे पुट x बराबर 3/2 × 2, जैसे इस 2 के अंदर x को 3/2 पुट करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2x-3 को जीरो करके ही मैंने x को 3/2 प्राप्त किया था, जीरो हो जाएगा, प्लस b × 3/2 - 1, तो b × 3/2 - 1 = 2x-1, यानी कि 2 × 3/2 - 1। अब 3/2 में से एक कटाएंगे तो आधा बचेगा, और इधर 2 कट जाएगा, 3 - 1 = 2 हो जाएगा, तो b कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1/2 है, ट्रांसपोज करेंगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, b 4 हो गया। अब a और b की जो वैल्यू चाहिए उसको हम एक में रखेंगे। देखिएगा मैंने इसको जो ये जो था ना रिलेशन, जब हमने माना था कि लेट ये जो फ्रैक्शन दे रहेगा उसको मैंने a/b/1, उसको मैंने 1 नाम दिया था। इस 1 के अंदर यानी कि रिलेशन 1 के अंदर हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1, तो 2x-1 / x-1 / 2x-3 = देखिएगा a/x-1, और a कितना था अभी निकाला मैंने, a निकाला था आपके -1, तो -1/(x-1), फिर क्या था +b/(2x-3), तो प्लस बी कितना निकला था 4, तो 4/(2x-3) और इजिकल। अब नॉर्मली क्या होता है कि माइनस को बाद में लिख देते, तो मैंने 4/(2x-3) को पहले लिख दिया और -1/(x-1) बाद में लिख दिया, आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों सही है, तो आप देखें कैसे हो क्या होगा। तो ये मैंने सवाल कर दिया आपका 9वां। अब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ 10वां। अगर फंक्शन f(x) = 2x/1 + x² हो तो एफ टेन थीटा का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टेन थीटा इफ f(x) = 2x/1 + x². बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए f(x) = 2x/1 + x² आपको दे रखा है, इट इज़ गिवन, और ये हमको पता क्या करना है, एफ टेन थीटा।
नो व्हाट इज एफ टेन थीटा, तो एक्स जहाँ आएगा वहाँ टेन थीटा लिख देंगे, तो क्या टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स को लिखा मैंने टेन थीटा, क्योंकि हमको एक्स के बराबर टेन थीटा लिखना है, क्योंकि हमको एफ टेन थीटा निकालना है। अब ये टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन टू थीटा। देखिए फॉर्मूला है साइन टू ए का, साइन टू ए बराबर टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ थीटा हो गया की जगह, तो साइन टू थीटा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन टू थीटा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख देंगे साइन टू थीटा। सो इट इज़ द आंसर। हमने ये कह दिया कि अगर एफ एक्स की वैल्यू टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एफ टेन थीटा की वैल्यू आएगी साइन टू थीटा, इट इज़ द आंसर। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपके सारे जो 10 क्वेश्चन थे, जो 10 पार्ट थे छोटे छोटे, वो सभी सॉल्व किए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, हर स्टूडेंट को लाइक का बटन दबाना चाहिए, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो शायद कोई ना कर पाए। जितनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ को क्लियर करके, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आपसे हम लाइक्स की बहुत उम्मीद करते हैं, और शेयर की, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ना केवल आप सब्सक्राइब करें वरन औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि ये बात सब तक पहुँचे और उनको लाभ हो। दैट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।